हेलो एवरीवन। तो आज मैं मेकअप करने वाली हूँ राखी स्पेशल। तो पहले अपने फेस को वेट वाइप से क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से एंड अपने फेस पर अब मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ जो लव आर्ट का टोनर है। एंड उसके बाद मैं अपने फेस पर ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी जो डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। उसके बाद मैं ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, उसे भी मैं अच्छे से लगा लूँगी एंड पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर जो स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। पूरे अंडर आईज एरिया को मैं कवर कर लूँगी, जहाँ जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद उसी पैलेट से मैं एक सेट लाइट कलर का कंसीलर ले रही हूँ जो मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, कंसीलर पैलेट से ही मैं सिर्फ वर्क कर रही हूँ। तो पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ एंड नेक एरिया पे भी मैं लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैं उसी पैलेट से डार्क कलर का एक कंसीलर लूँगी और अपने फेस को कंटूर करूँगी।
बाद अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। मैंने हाईलाइट किया इनसाइड का कंसीलर से। अपने फेस को लूज पाउडर से सेट करूंगी। पूरे फेस पे लूज पाउडर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं कॉन्टोर करूँगी। मैंने इनसाइड का कॉन्टोर पैलेट से कॉन्टोर कर रही हूँ। ये पाउडर कॉन्टोर बाद मैंने लिया ये ब्लश। ये स्विस ब्यूटी का पाउडर ब्लश है जिससे मैं इसको फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। एंड उसके बाद सेटिंग स्प्रे के बाद अगर हम लोग को हाइलाइटर लगाते तो बहुत अच्छे से वो हाइलाइट करता है। अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। ये इनसाइड का आईब्रो पैलेट से
का आई शेडो लेकर के अपने आई शेडो अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, उससे अपने पूरे आईलिड पे लगा लूंगी। पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेना है क्योंकि ये दिन का पार्टी रहता है। अपने लिप को फिल करूंगी। मैंने लिया मार्स का ये लिपस्टिक।